पार्टी में रिटायर्ड एसपी की टारगेट किलिंग और पुंछ आतंकी हमले के खिलाफ दोगला शिवसेना के फ्रंट की तरफ से आज जम्मू में प्रोटेस्ट किया गया है। आतंकवादी घटना यार लोगों नीचे करो, धार्मिक स्थल के अंदर मस्जिद के अंदर जाकर के अजान अदा करी, आवाज ही आई उसको गोलियों से भून दिया गया। क्या कहने का प्रयास करना चाहते हैं हम कि एक आदमी को अजान करने का वक्त नहीं दिया, नमाज पढ़ने का वक्त नहीं दिया, और हम बातें करते हैं पाकिस्तान मुसलमान भाई भाई, चाहे पाकिस्तानी है चाहे हिंदुस्तानी है, कश्मीर जम्मू के लोगों को बेदर्दी से पीटा जा रहा है। और खुद जो आदमी ईदगाह के अंदर है, नमाज अदा कर रहे हैं, अजान हो रही है, उसको हम गोलियों से भून रहे हैं, क्या दर्शाने का प्रयास करना चाहते हैं? और वो जो नेता उनके घरों के अंदर जाकर के एसएसपी के घर के अंदर जाकर के सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं, अरे वो लोग क्या कहते थे, तिरंगा उठाने वाले हाथ नहीं बचेंगे, और आज सहानुभूति प्रकट कर रहे हैं। सर वो कह रहे थे बुरान बानी अगर मुझे पता होता तो बुरान बानी जिंदा होता, उनको अधिकार है वहां जाकर के सहानुभूति प्रकट करने का। लेकिन मैं बड़े स्पष्ट शब्दों के अंदर कहना चाहता हूं, ये डबल स्टैंडर्ड गेम, सरकार को ऐसे नेताओं के खिलाफ उनकी पार्टियों को बैन करना होगा जो पहले और आज भी अंदर से उग्रवाद का समर्थन करने का प्रयास करना चाहता हूं। पाकिस्तान के खिलाफ मैं कह रहा हूं पीओजेके, जब माननीय गृह मंत्री ने बड़ा स्पष्ट कर दिया पीओजेके लेकर रहेंगे, आज मौका है तो पीएजेके पर हमला करो बालाकोट जैसा, और पीएजेके को अपने अंदर शामिल करो। देख सकते हैं कि पीओजेके पे हमला किया जाए और पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, इसकी मांग की गई है, और अजान तक नहीं करने दी गई, मोहम्मद शफी मीर को उनकी हत्या कर दी गई, इसके खिलाफ अब जम्मू के मुख्तलिफ जगहों पे इसी तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजेंद्र, न्यूज 18 जम्मू।